इस वीडियो में आपको श्री बद्रीनाथ जी के साक्षात दर्शन होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सीधे आपको मंदिर के अंदर के दर्शन होने वाले हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ और चारों धाम की जय। तो अभी हम केदारनाथ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो ये है बद्रीनाथ का रूट। आप और अभी तो बद्रीनाथ रूट में बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रहे हैं, बहुत डेथ्स हुई हैं और अभी हम निकल रहे हैं। आप देखो रास्ता कितना ज़्यादा सकरा है और उस तरफ खाई है। इस तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट जो अपोजिट साइड से जो कार्स आती हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जो खाई साइड में जो कार्स चलती है। तो अभी हम सबसे डेंजरस रोड में आ गए हैं, तो अभी आप भैया से ही सुनो, जो ड्राइवर भैया वो क्या बोलते हैं। यहाँ पे गाड़ी ना तो आगे चढ़ेगी ना पीछे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी तो ब्रेक फेल, पीछे आगे हो जाएगी ब्रेक फेल। नहीं ब्रेक ये फोर्स नहीं, ये आ दीजिए नहीं जाम चल रहा है, उतनी खराब यहाँ से निकल रहे समझ के निकल रहे। तो जैसे भैया ने ब्रेक फेल वाली बात बोली ना, तो हमारे तो पसीने ही छूट गए यार। सच में हम लोग की हार्ट बीट इतनी तेज़ चलने लगी, हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे। और एक्चुअली हम लोग पहले से ही डरे हुए थे ऐसे रास्ते को देखकर, क्योंकि बहुत मतलब रिस्की था ये। और जब इस तरफ देख रहे हैं तो खाई बिल्कुल सटी हुई, हम हमारी कार वहाँ से निकल रही है, मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था और इतना घुमावदार रास्ता था। तो सच में और लिटरली बता रही हूँ, हमने ना हनुमान चालीसा लगा ली थी कि मतलब सब कुछ अच्छा हो, अच्छे से हम लोग बद्रीनाथ पहुँच जाएँ। अब आप बद्रीनाथ के रास्तों का आनंद लीजिए और हम आपसे मिलते हैं सीधा बद्रीनाथ में। जय श्री राधे। जगनानी जगनानी अच्छा आंटी, कैसी है थकान? थकान लग रही है अंकल? कैसे लग रही थकान? अरे भाई आज मौसम बेकार हो गया। पीछे कैसा लग रहा थकान? अब तुम्हारा बेचारा ही नहीं दिख रहा आंटी लोग। तो हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। वहां से जब हम आए तो पहले होटल लिया हमने और वहां पे हम नहाए और एक घंटा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग मंदिर के लिए निकल कर आ गए हैं और अभी 2 बज रहे हैं और यहाँ पे 1 बजे से 12:30 बजे से लाइन लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे, बहुत बहुत भीड़ रहती है। तो अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं, थोड़ा जल्दी दर्शन करने हैं, तो आपको इतने टाइम ही लाइन पे लगना पड़ेगा। और हम लोग 2 बजे नहीं 3:30 बजे लाइन पे लगे थे और उसके बाद हम सुबह 9:30 बजे वहाँ से दर्शन करके निकले। तो आप सोच लो कि इतने बजे लगने पर लाइन पे भी हमको मतलब कितनी लेट दर्शन हुए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा, अरे भाई 3-4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो ये बात का भी आप ध्यान रखो, अगर आप जा रहे हो दर्शन करने के लिए तो आप 1-2 दिन नींद को त्याग दो और अच्छे से भगवान के दर्शन अच्छे से करना है, तो थोड़ा जल्दी लाइन पे लग जाओ जा करके। ये सरस्वती नदी है, यहाँ पे भी स्नान करते हैं, जिसको नदी में करना हो स्नान वो नदी पे भी कर सकता है, वरना यहाँ पे गर्म कुंड भी है जहाँ से गर्म पानी आता है, तो वहाँ पे भी लोग स्नान करते हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब जितने भी ठंडे स्थान है, जैसे केदारनाथ हो गया और ये बद्रीनाथ हो गया और यमुनोत्री हो गया, तीनों जगह पे आपको गर्म कुंड मिल जाएगा, गर्म पानी मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे से स्नान कर सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं तो लाइन पे लग जाएंगे और उसके बाद आप देखो क्या क्या होता है। तो श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा है। पहले बद्रीनाथ धाम श्री शिव धाम था, तो श्री हरि को तपस्या करने के लिए एक भूमि चाहिए थी पृथ्वी में। तो वो जब पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें शिव धाम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, उनका मन मोहित हो गया इस जगह पे। तो उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी का धाम है, तो उन्हें लगा कि क्या करें। तो उन्होंने एक लीला करी, वह छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिए और वहाँ पे रोने लगे जोर जोर से। तो विष्णु शिव जी तो पहचान ही गए थे कि ये श्री हरि हैं। उन्होंने कहा माता पार्वती से कि आप चिंता मत करो, यह बालक चला जाएगा, आप चलो अंदर। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, यह बालक है, इसको मैं कैसे जाने दूँ। तो वो अंदर बालक को अपने साथ ले गई। उसके बाद श्री हरि बोलने लगे कि मुझे इसी स्थान पर रहना है। तो शिव जी के तो आराध्य हैं श्री हरि, और हरि के भी आराध्य हैं शिव। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसी स्थान पर रहें, मैं जाता हूँ केदारनाथ। तो शिव जी केदारनाथ चले गए और विष्णु जी बद्रीनाथ धाम में रहने लगे। तो पहले इस धाम का नाम विष्णु धाम था, लेकिन जब ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी से रूठ कर चली गई थी अपने मायके, तो जब विष्णु जी तपस्या करने लगे, उसके बाद जब माता लक्ष्मी आई वापस, तो उन्होंने देखा कि बेर के पेड़ पर बैठकर श्री विष्णु तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त श्री विष्णु जी को बद्री नाम दिया, तो इसलिए इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। और यहाँ पे दो नर नारायण पर्वत भी हैं जो कि अभी आपस में जुड़ रहे हैं। जिस दिन ये दोनों नर नारायण पर्वत जुड़ जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ भगवान जो हैं इस स्थान से विलुप्त हो जाएंगे, मतलब यहाँ से गायब हो जाएंगे और किसी दूसरी जगह कलयुग का बद्रीनाथ धाम बनेगा। तो ये जो धाम है, जब कलयुग की जब चरम सीमा पर जाएगा, जब पाप बहुत बढ़ जाएंगे, तो श्री बद्रीनाथ धाम यहाँ से हट जाएंगे और दूसरी जगह कलयुग के बद्रीनाथ धाम बनेंगे, जो कि अभी निकलने भी लगा है वह किसी स्थान पर। तो ये है यहाँ की बहुत ही प्रचलित कथा है। तो आगे आपको श्री हरि के साक्षात दर्शन मिलने वाले हैं, जो कि आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट बहुत मुश्किल से किसी भी तरह हमारे साथ जो गई थी दीदी, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो वो मुझे वीडियो वो मिल गया है, तो मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग घर बैठे श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने वाले हो, ऐसे ये दर्शन बहुत ही कम होते हैं लोगों को मिलना, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है किसी भी वीडियो में, बट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना और श्री हरि के दर्शन करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री बद्रीनाथ। लाइन से चलना चाहिए, तो सब घुस रहे हैं यहाँ वहाँ से। जय बद्री विशाल, जय बद्री भगवान की जय।
धाम में जो चढ़ोतरी होती है उसके पैसे गिने जा रहे हैं भक्तों के द्वारा, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे रहते हैं कि अकेले कोई नहीं गिन सकता, इसलिए भक्तों के द्वारा गिना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने बद्रीनाथ जी के अच्छे से दर्शन किए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखना।